हरदोई में अब गरीबों के घर रोजी रोटी संकट। सन की चेयरमैन ने दलितों की छीनी रोजी रोटी। सेल्फी पॉइंट बनने के कारण संकट में दलित परिवार। देखिए सन की चेयरमैन ने कैसे छीनी गरीबों की रोजी रोटी। देश के मुखिया ने भले ही दलितों के सम्मान की बात अपने सभी राजनीतिक मंचों से की हो, लेकिन अभी भी कुछ चंद सन की नेताओं के चलते उन लोगों के रोजी रोटी पर संकट बरकरार है। लेकिन जिम्मेदार अभी भी इस पूरे मामले पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते दर्जनों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आया है। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई नगर पालिका के पिहानी के चेयरमैन हाजी जमाल साजिद के कारनामे सर चढ़कर बोल रहे हैं और उनकी सनक के चलते नगर पालिका क्षेत्र के लोग परेशान हैं। ये चेयरमैन महोदय कभी चुनाव जीतने के लिए स्पेक्टर पिहानी को जूते गिफ्ट देने के मामले में चर्चा में आए थे, जो कि नगर पालिका क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए। दूसरी घटना में उनके द्वारा दलित के मोहल्ले में लोगों के घरों के सामने नगर पालिका की गंदगी व कूड़ा कचरा फेंकवा कर चर्चा में आए लोगों ने विरोध करना शुरू किया। अब एक और इनका मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब दलित गरीब परिवार सड़क पर आ गए हैं। क्योंकि इस तीसरी घटना में बात करें तो सन की चेयरमैन ने कस्बे में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बिना किसी अनुमति के सेल्फी पॉइंट बना बैठे। उसी स्थान पर लगभग एक दर्जन लोग छोटे मोटे काम, मोचीगिरी, कपड़ा प्रेस, साइकिल पंचर का काम करते थे। अब उन सबको वहां से भगाकर सेल्फी पॉइंट बना दिया, जिसको लेकर यह लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि नगर पालिका हम लोगों को दूसरी जगह चिन्हित करके दे दे, जिससे कि हम लोग अपना रोजगार कर सके। इसी मुद्दे की जमीनी हकीकत जानने के लिए उन गरीबों से माय भारत ब्यूरो चीफ अरविंद तिवारी ने बात की। आज मैं आपको बताऊंगा एक सनकी चेयरमैन की कहानी, जिसकी सनक के चलते पूरा नगर क्षेत्र परेशान है। उनकी सनक के चलते आए दिन वो चर्चा में रहते हैं। आपको बताएं, कभी चुनाव जीतने के लिए जूते गिफ्ट करते हैं तो चर्चा में आते हैं, तो कभी दलितों के दरवाजे पर नगर क्षेत्र का कूड़ा कचरा फिकवा देते हैं तो चर्चा में आते हैं। और आज हमारे साथ ज़्यादातर दलित बिरादरी के लोग हैं, लेकिन दलित बिरादरी के रोजी रोटी पर किस तरीके से एक चेयरमैन की सनक के चलते इन लोगों के रोजी रोटी पर संकट आया है, इनसे सीधे तौर पर बात करेंगे क्या समस्याएं हैं। चूंकि बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के पिहानी नगर पालिका की, यहां चेयरमैन की सनक के चलते गरीबों के निवालों पर भी डाका पड़ रहा है, लोग परेशान हैं। इनकी समस्याएं क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर आप चेयरमैन से मिले थे? हमने कहा कि अपना अपना हटा लो सामान, अब यहां से भाग जाओ, अपने अंत काम करो। क्या रोजगार करते थे आप? प्रेस का, कपड़े प्रेस करते हैं। कितने सालों से यहाँ पे हो आप? यहाँ 87 से इधर हैं इस लाइन में। तो अब चेयरमैन से जब आप मिले तब चेयरमैन क्या कह रहे थे? वो कह रहे का वो कहेंगे अपना चाहे यहाँ जाओ, अपना जुगाड़ करो इधर उधर। क्या काम करते थे आप यहाँ पर? कितना पैसा प्रतिदिन कमा लेते थे? यहाँ हम करते थे पुराने जूते चप्पल करते थे काम। कितना रुपया रोज कमा लेते थे? रुपया दो तीन सौ कमा लेते थे। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति का 10-20 रुपया मिलना मुश्किल है। अच्छा, जब चेयरमैन के पास आप अपनी समस्या रखने गए तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यार भाई जाइए यहाँ बैठे 5 रुपये जुर्मान लेंगे कहीं। क्या नाम है तुम्हारा? श्रीपाल। आपकी क्या दिक्कत है? चेयरमैन के पास गए थे आप? जी। क्या कहा चेयरमैन ने? तो हम इधर जो है साइकिल का काम करते हैं, तो हमने कहा बाबू जी आपका भी काम चलने दें, हमारा भी काम चलता है साइकिल काम, तो उन्होंने कहा जो है आप यहाँ से जो है कहीं बैठिए, ये इनसे कहा। अच्छा, नगर पालिका ने आप लोगों के लिए कहीं व्यवस्था करी है कि आप लोग कहाँ बैठ के अपना रोजगार करें? कहीं नहीं साथ कहीं व्यवस्था कोई नहीं की। नगर पालिका की लापरवाही चरम पर है। आप देख सकते हो किस तरीके से लोगों के पेटों पर लात मारने का काम कर रही नगर पालिका, और सनकी चेयरमैन के कारनामे लगातार चर्चा का विषय बने हुए। पूरी पिहानी की बात करें तो यहाँ गंदगी का अंबार है, सफाई कर्मियों की अलग समस्याएं हैं, वो अपने वेतन को लेकर लगातार नगर पालिका पर उंगलियां उठा रहे हैं। वहीं आम जनमानस की जो समस्या है, जो दलित बिरादरी है, जिसको लेकर सरकार जो है पूरी तरह प्रशासन को भी इंगित करती रहती कि दलितों के साथ किसी तरीके का भेदभाव और शोषण ना हो, लेकिन सनकी चेयरमैन के चलते यहाँ की जनता परेशान है। क्या क्या काम करते थे आप? जी। कितना पैसा रोज कमा लेते थे? 50-60 रुपए बस। अब क्या स्थिति है? कतई डाउन है। चेयरमैन क्या कह रहे हैं? चेयरमैन यही कह रहे हैं कि बंद ना जाए, या कोई जुगाड़ी नहीं।
तो अब आप लोग के रोजगार के लिए नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था करी गई? कहाँ आप लोग बैठोगे, कहाँ काम करोगे? अब तो कहीं नहीं करी गई, एक सामने बैठे कौन है, फिर वहाँ कोई वही नहीं बनता है। अच्छा, यहाँ विधायक आए थे उद्घाटन करने के लिए, आप लोगों ने कोई बात कही उनसे, कोई बात रखी अपनी? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। हमारे साथ और लोग भी हैं, इनसे जानते हैं क्या काम करते थे बेटा यहाँ? मोशेगिरी। कितना पैसा पर डे कमा लेते थे? यही कुछ 100 रुपए तक। अच्छा, चेयरमैन से आप लोग मिले नहीं इस मामले में कि अब हम लोग रोजगार कहाँ करें, कोई जगह दी गई आप लोग को बैठने के लिए? कोई जगह नहीं दी गई। क्या कहते हैं चेयरमैन? चेयरमैन अपने आप कहने लगे कि चाहे जहाँ बैठो जाके, यहाँ पे नहीं बैठ पाओगे। ये जनता है पिहानी की, या वही जनता है जिसके चरणों में नेता नाक रगड़ने जाते हैं हर 5 वर्ष में? क्या है कि आज इनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा है, चूंकि सनकी चेयरमैन जो पिहानी का है, उनकी सनक के चलते आए दिन वो चर्चा में बने रहते हैं। अब देखना यह होगा कि चूंकि नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, आने वाले नगर पालिका चुनाव में जनता किस तरीके से उनका समर्थन करेगी, उनको चेयरमैन बनाएगी या कुर्सी से हटाएगी। मैं भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, पिहानी, हरदोई।